विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पार्टी के बिना सरकार बनना संभव नहीं है। ये दावा सीतापुर पहुंचे नव मनोनीत उत्तर प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने किया। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर भार्गव के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वो सबसे पहले महाराजा छीतापासी किला पहुंचे और छीतापासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां से चलकर वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क पहुंचे, यहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। स्वागत करने वालों में महाराज छीतापासी ट्रस्ट के महामंत्री एमसी भार्गव, इंद्रपाल राजवंशी, ललित कुमार, जेबी सुमन, रामचंद्र भार्गव, विजय शैलेंद्र, रोहित राकेश राजवंशी, सुनील राठौर, हरीश गौतम सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदेश स्तर का नेतृत्व मिलने पर खुशी एवं जनपद के लिए गौरव की बात कहते हुए डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने आइंडिया से कहा, आज आप सीतापुर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप संगठन के बारे में? देखिए, ये हमारा पदोन्नत होने के बाद में प्रथम आगमन, और आप देख रहे हैं जो युवा वर्ग में इतना उल्लास है, खुशी है, तो ये जो दोगुना उत्साह हुआ है, इसका मुख्य कारण यही है कि एक शहर को, एक ज़िले को प्रदेश लेवल का नेतृत्व मिलना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं छीतापासी महाराज का ये किला है और यहाँ पर मूर्ति पीछे लगी हुई है। जो चंद्रशेखर भाई का नारा था कि बहुजन समाज जो है उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसी कड़ी में उन्होंने पासी समाज के एक लड़के को प्रदेश लेवल का प्रतिनिधित्व दिया, इसलिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जितने हमारे ज़िले के लोग स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार विकट करता हूँ। साथ में हमारे जितने मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने इस साधारण से व्यक्ति को लगातार 2-3 दिन से सीतापुर में हर अखबार में दिखाने का काम किया है, इसके लिए आपको भी बहुत। 2022 में क्या लगता है भीम आर्मी? देखिए, इतना तो तय है कि आप जान रहे हैं कि हमारा संगठन 4 साल से लगातार काम कर रहा है और सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है। हर जगह जहाँ आज घटना होती है तो व्यक्ति पुलिस को या शासन को बाद में याद करता है, सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी को याद करता है। तो हर जगह पर हमारा कोई ना कोई नेता जरूर पहुंचता है, तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमारी सरकार प्योर सरकार बनेगी, लेकिन हमारे बिना सरकार बनना संभव ही नहीं है।